आखिर एक शादीशुदा जोड़ी को जिंदगी में चाहिए क्या? आप जो सोच रहे हैं, यानी कि जीवन भर का साथ, उसके अलावा हमारी ये ट्रॉफी। विनर की घोषणा करेंगे हमारे दोनों एस्टीम जजेस। सर, कौन मैंने बहुत मेहनत की है सर यहाँ तक आने के लिए। बताइए। सर मैंने भी बहुत सहा है सर इसे। सर ये तो अभी चर्चा में थे। अरे हाँ, थोड़े दिन पहले हम भी थे। तो आप देख लीजिए सर किसको करना है। जो उम्र में छोटा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा प्यारा होता है, लाडला होता है। समझ गए सर, हम दे दीजिए उनको। समझ गए सर, समझ गए, समझ गए सर। नेहू, रोहू, खोलिए। चिपकली होगी। फैल रहा है, तुमको जो मिला खाओगी, मुझसे निकल। ये गाजर का हलवा बनाती है मुझसे। तो जजेस और मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब इंडियन आइडल सीजन 12 को मिलेंगे उसके टॉप 14। अनफॉर्चुनेटली आज किसी एक के इंडियन आइडल की जर्नी पॉज हो जाएगी, लेकिन जिंदगी की जर्नी की शुरुआत होगी। इस हफ्ते जजेस के स्कोर्स के हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स बॉटम 5 में हैं, इस हफ्ते फिफ्थ पोजीशन के लिए स्कोर टाइड है, इसीलिए बॉटम 5 नहीं बॉटम 6 होंगे। अरुणिता, सम्यक दूसरा नाम, निहाल, अनुष्का, सायली और आखिरी नाम साहिल। ये तो हुई जजेस के स्कोर्स की बात, लेकिन पिछले हफ्ते ऑडियंस की वोट्स के मुताबिक आप 6 में से जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं वो नाम मैं आपको बताऊंगा। वो सिंगर जिसे ऑडियंस के सबसे कम वोट्स मिले हैं उसका नाम है साहिल सोलंकी। साहिल, आई एम सॉरी ब्रदर, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है अब तक की, पर अनफॉर्चुनेटली आपको जनता के सबसे कम वोट्स मिले हैं। आप 5 को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कांग्रेचुलेशंस, आप इंडियन आइडल के टॉप 14 का हिस्सा बन गए हैं। प्लीज जाइए, टेक योर सीट। गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट, योर वॉइस इज ट्रूली 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 मैजिकल। थैंक यू जी।